नमस्कार फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाला हूं जिस प्रोजेक्ट के बारे में, वो प्रोजेक्ट है लोधा कासा मैक्सिमा मीरा रोड में ये 2 BHK का रीसेल का फ्लैट आया है जो बहुत ही अर्जेंट सेल करना है, जिसमें एक डेडिकेटेड आपको पोडियम पार्किंग भी मिलेगा। प्राइस इसका क्या है मैं भी आगे बात करूंगा कि क्या इसकी प्राइस है। आज इसी लोधा कासा मैक्सिमा के रीसेल की फ्लैट बात करूंगा। मैं विकास बरनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। आइए पहले दिखाता हूं मैं किस टाइप का ये फ्लैट है। यहाँ पे एमिनिटीज इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बनाया है। 4 टावर है, 11 माले का एक सेपरेट पोडियम पार्किंग दिया हुआ है पूरे को। नीचे पूरा पार्किंग फ्री ऑलमोस्ट जोन बनाया हुआ है, ओपन पार्किंग बिल्कुल भी नहीं है इसमें। स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिम्नासियम वगैरह सब कुछ दिखाता हूँ, उसके बाद में फिर इस फ्लैट की बात करूंगा। आइए देखते हैं मीरा रोड में लोधा कासा मैक्सिमा रीसेल 2 BHK। अभी जो प्रॉपर्टी मैं आपको शो कर रहा हूँ ये 2 BHK की प्रॉपर्टी है लोधा कासा मैक्सिमा में। टू बी एच के ऑप्टिमा बोल के डेवलपर ने सेल किया है। इसमें एक बेडरूम थोड़ा छोटा है। ये टावर नंबर 3 में है। ये इसका छज्जा है। ये मैं विंडो के साइड से आपको दिखा रहा हूँ। ये इसका डाइनिंग एरिया है। 600 स्क्वायर फुट इसका रेरा कारपेट एरिया है अप्रॉक्स। ये मैं किचन आपको दिखा रहा हूँ। दोनों साइड सर्विस प्लेटफॉर्म, गैस प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। यहाँ से भी आप देखें तो सनराइज का व्यू आपको मिल रहा है। ये इसका गैस प्लेटफॉर्म है। ये इसका सर्विस प्लेटफॉर्म है। ये पैसेज है इसका, आगे मैं लेके चलता हूँ आपको दिखाता हूँ दोनों बेडरूम कैसा है, कॉमन वॉशरूम कैसा है। ये इसका कॉमन वॉशरूम है। प्राइसिंग की बात करूँ ये आप फ्लैट का 88 और 98 लाख के बीच में डील होगा इसका, क्योंकि इसको इनको बेचना है और बड़ा प्रॉपर्टी लेना है। ये इसका ड्राई एरिया दिया हुआ है वॉशिंग मशीन के यूज के लिए। तो ये आपको वॉशिंग मशीन के यूटिलाइज के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इन्होंने बना के दिया है, जहाँ पे आपको पूरे फ्लैट में कहीं पे किचन वगैरह में कहीं रखने की जरूरत नहीं है। ये वॉश मशीन, कमोड वगैरह ब्रांडेड एक्सेसरीज में यूज़ किया है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, फर्स्ट इसका कॉमन बेडरूम दिखाता हूँ, क्योंकि कॉमन बेडरूम थोड़ा छोटा है इसका और मास्टर बेडरूम प्रॉपर है इसका। ये इसका कॉमन बेडरूम है, क्योंकि इन्होंने ऑप्टिमा 2 BHK है, ये अल्टिमा बड़ा था, दोनों बेडरूम प्रॉपर था। और जिसकी प्राइस मेरे पास 1 करोड़ 15 लाख, 1 करोड़ 12 लाख, 1 करोड़ 20 लाख में विद डेक जो है वो 1:20, 1:18 तक भी है। और ये जो फ्लैट है आपको 88 और 98 लाख के बीच में डील होगा। एक बेडरूम थोड़ा छोटा बनाया हुआ है। बाकी मास्टर बेडरूम तो प्रॉपर है, इसमें एक वार्डरोब का भी जगह दिया हुआ है। बच्चों के लिए किड्स बेडरूम यूज कर सकते हैं, या गेस्ट बेडरूम के हिसाब से आप एक छोटा 6x6 का बेड लगा सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका मास्टर बेडरूम कैसा है। इसका मास्टर बेडरूम है, कॉर्नर में आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे वार्डरोब का जगह दिया हुआ है। और हर एक रूम में हिटाची का एसी लगाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। हॉल में भी है, बेडरूम्स में भी है। और अभी मैं आपको इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम दिखाता हूँ। इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है, जिसमें बेसिन,
प्लेटफॉर्म्स वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। मिडिल फ्लोर पे फ्लैट है, ये फ्लैट की हाइट देख के आप समझ सकते हैं 23 माले के बिल्डिंग में मिडिल फ्लोर पे ये फ्लैट बना हुआ है। और बैक साइड का व्यू काफ़ी अच्छा खूबसूरत ओपन व्यू है इसका। प्राइस इसकी बहुत अट्रैक्टिव है, ये प्राइस में फ्लैट लोधा कासा मैक्सिमम में नहीं है, तो जल्द से जल्द आप फ़ोन करें, इसका बेनिफिट ले लें, इसका प्रॉफिट ले लें दोस्तों। ये इसका जब आप बिल्डिंग में एंट्री करते हैं तो ये एक पूरा आपको ये जगह मिलता है। ये बिल्डिंग से बाहर जाने का जो पूरा कॉम्प्लेक्स है 4 टावर का, ये जब बाहर निकलते हैं तो यहाँ से आपको मेन रोड की कनेक्टिविटी मिलती है। और यहाँ से जैसे आप राइट लेके और आगे सर्कल है 4 रास्ते से, जैसे आप वापस राइट लेते हैं तो सीधा सीधा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पहुँचते हैं। ये इसका मेन एंट्री है और सामने जो 11 माले की बिल्डिंग देख रहे हैं वो सिर्फ पार्किंग है, और ये 23 माले का 4 टावर है। और ये कुछ अंदर की एमिनिटीज मैं आपको स्टार्ट में दिखा रहा हूँ। ये एंट्रेंस लॉबी है, चारों बिल्डिंग का एंट्रेंस लॉबी ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत डिफरेंट है, बट एज इट इज ऐसे ही है। ये इसका ग्राउंड फ्लोर पे भी कुछ फ्लैट्स दिया है इन्होंने, क्योंकि पार्किंग के लिए जब ये अलग से टावर दे देते हैं तो फिर जरूरत नहीं पड़ जाती। इसका स्टेयरकेस, ये इसका पार्किंग का स्पेस है। ये जो मैं आपको पार्किंग दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये फर्स्ट फ्लोर पे है और ऐसे ऐसे पूरे 11 माले की बिल्डिंग है, इसमें सिर्फ पार्किंग ही है, इसमें रेसिडेंशियल इन्होंने बनाया ही नहीं है। लोधा का एक कंसेप्ट है कि वो पार्किंग के लिए पर्टिकुलर एक अलग से टावर बनाते हैं, जिसे कार पार्किंग फ्री एरिया बोल सकते हैं। एक टावर उन्होंने बना दिया, वहाँ पे सारे कार पार्क हो जाएगा और पब्लिक अपने बिल्डिंग में रह पाएगी। ये इसका बैंक्वेट हॉल है जो मैं दिखा रहा हूँ। अटैच्ड पेंट्री यानी किचन एरिया से अटैच्ड है। यहाँ पे अभी कुछ गणपति का त्योहार चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग गणपति स्थापना है। ये ओपन टेरेस टाइप का है, ये क्लब हाउस है एक्चुअली, इसमें ओवर बैंक्वेट हॉल है और ये ओपन पार्टी हॉल है, ओपन पार्टी स्पेस है। और यहाँ से आप देखें तो व्यू बहुत खूबसूरत आता है, यहाँ से पूरा स्विमिंग पूल आपको दिखता है, ये आप देख सकते हैं। ये बड़ा स्विमिंग पूल, इसके आगे बच्चों का किड्स स्विमिंग पूल है, जैक्यूजी है। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिजाइन करते हैं लोधा वाले का कोई भी प्रोजेक्ट आप देख लीजिए, बहुत ही लग्जरी और बढ़िया डिजाइन करते हैं। ये बच्चों के लिए किड्स स्विमिंग पूल है। और ये सामने 11 माले का पूरा पार्किंग है, ये बिल्डिंग इसमें पूरे पार्किंग ही है, क्योंकि पार्किंग एरिया और कहीं भी नहीं है, यही 11 माले की बिल्डिंग पूरा पार्किंग है। ये बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया है। यहाँ पे देखें तो जिमनासियम इन्होंने ऑर्गेनाइज कर दिया है, जिम एरिए को ट्रेडमिल और कुछ कार्डियो के मशीन्स रखे हुए हैं। ये इसके स्विमिंग पूल है।
अभी तो 1x1 इसका पोजीशन हो ही रहा है, अभी पूरी तरह से पोजीशन सब लोगों ने नहीं लिया है, 1x1 करके लोधा वाले हैंडओवर कर रहे हैं। अभी चार टावर का कॉम्प्लेक्स है ये, 23-23 माले का चार टावर है, लगभग 600 फ्लैट का कॉम्प्लेक्स है ये। ये इसका एक टाइप का जैक्यूजी है, बॉडी मसाज के लिए वाटर प्रेशर आपको मिलता है। एलिवेशन बहुत मैटर करता है, ये मैं नीचे से आपको स्विमिंग पूल दिखा रहा हूँ। कुछ लोग पूल को एंजॉय भी कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए स्विमिंग पूल भी दिया हुआ है और बड़ों के लिए है। कुछ एरिया अभी पूरी तरह से ओपन नहीं हुआ है, इसके लिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। ये सामने ही आप देख सकते हैं बैंक्वेट हॉल और ओपन टेरेस था। इसमें एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर बना हुआ है, अभी मंदिर कंप्लीट वर्किंग नहीं है, बट हिंदू फैमिलीज के लिए, हिंदूज के लिए पूजा पाठ के लिए इन्होंने मंदिर का भी प्रोविजन किया है लोधा बिल्डर्स ने। अभी जो मैंने आपको दिखाया ये 2BHK का फ्लैट, इसका डिटेल आप समझ लें। 2BHK का कारपेट एरिया 600 स्क्वायर फुट का है। 2BHK ऑप्टिमा बिल्डर ने बोला था थोड़ा एक बेडरूम का साइज थोड़ा छोटा है किड्स बेडरूम का, बाकी सब उतना सेम ही है, एल टाइप का 2BHK का है। और प्राइस जो है इसका 90 लाख नेगोशियबल प्राइस है, और इसका जो डील होगा 80 और 90 के बीच में इसका डील होगा। एक बार हम बैठ सकते हैं, जो भी नेगोशिएशन 2% 3% की बात कर सकते हैं 90 लाख में, क्योंकि इनको बेचना है। और इसमें डेडिकेटेड एक कार पार्किंग भी आपको मिलेगा। अब प्रोजेक्ट की बात करूं, 23 माले का टावर है, चार टावर है, T1, T2, T3, T4, और हर एक फ्लोर पे 6 फ्लैट, 2 हाई स्पीड लिफ्ट और 1 स्टेयरकेस है। और ये जो फ्लैट है वैकेंट मिलेगा, इसमें 2 AC साथ में है। मिडिल फ्लोर पे फ्लैट है, वो तो फ्लैट की हाइट देख के आप समझ ही गए होंगे। बिल्डिंग का एज मुश्किल से 1 साल के अंदर का बिल्डिंग है। रेसिडेंशियल इसका पहले माले से स्टार्ट हुआ है, ग्राउंड फ्लोर पे पूरा ओपन स्पेस है और कुछ कबर्ड पार्किंग दिए हुए हैं। और सेपरेट एक 11 माले का टावर पूरा ओडियम पार्किंग का दिया हुआ है। OC, BMC वाटर, गैस पाइपलाइन वगैरह सब कुछ टाइटल क्लियर है। वैसे भी लोधा डेवलपर है तो इसमें तो ज्यादा सोचना ही नहीं है। गैस पाइपलाइन वगैरह आ चुका है, सिटी और सनराइज का व्यू आएगा इसका, और स्विमिंग पूल का व्यू आता है। लोकैलिटी इसमें कॉस्मो है, इसमें हिंदू मुस्लिम सारे वेलकम है। मल्टीपल बैंक से आपको लोन भी हो जाएगा, जिस भी बैंक से आपको लोन लेना हो, जिसमें SBI, ICICI, LIC, एक्सिस, IDBI, किसी भी बैंक से आपको लोन लेना हो। एमिनिटीज तो आपको मैं दिखाई दिया हूँ, शॉर्टकट में बता दूं, एमिनिटीज में स्विमिंग पूल, जिम, क्लब हाउस, चिल्ड्रन प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, बैंक्वेट हॉल, अंदर ही मंदिर भी दिया हुआ है बहुत ही ब्यूटीफुल छोटा सा, और ओपन स्पेस काफी बढ़िया दिया हुआ है। साथ ही साथ 11 माले का जो पोडियम पार्किंग का बिल्डिंग बनाया हुआ है वो सेपरेट बना हुआ है। कनेक्टिविटी के बारे में जान लें, अगर आप रोड से बाहर रहते हैं तो 2 से 15 मिनट के अंदर आप GCC इंटरनेशनल स्कूल, पोदार जम्बू किड्स स्कूल, श्री SP जैन कॉलेज, वेदांता इंटरनेशनल हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स, सैफ्रन फैमिली रेस्टोरेंट, रानी फैमिली रेस्टोरेंट, हटकेस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, GCC क्लब एंड होटल, HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सुपर मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, ऑटो स्टैंड, बस स्टॉप, केमिस्ट, मंदिर, ये सब आपको 2 से 15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे पहुंच जाते हैं। 10 से 30 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस की बात करूं, जिसमें कनकिया पुलिस स्टेशन, मीरा रोड रेलवे स्टेशन, दहीसर मेट्रो स्टेशन, घोड़बंदर किला, वर्धमान फैंटासी, गांधी टेकड़ी, मैक्सिस मॉल एंड मल्टीप्लेक्स थिएटर, ठाकुर मॉल एंड मल्टीप्लेक्स थिएटर, प्रसाद मल्टीप्लेक्स थिएटर, मूवी मैक्स सिनेमा, संजय गांधी नेशनल पार्क, और बड़े बड़े ब्रांड के जो शोरूम है, डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट बोलते हैं उसको, जो 10-10 हज़ार स्क्वायर फुट के आउटलेट्स हैं, जिसमें बड़े बड़े ब्रांड जैसे नाइकी, एडिडास, पुमा, डिकैथलॉन, स्केचर, रिबॉक, ये सब आपको जो हाईवे पे बना हुआ है दहीसर चेकनगर से पहले, ये भी मुश्किल से 10-15 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे आप पहुंच जाते हैं। आधे से एक घंटे के अंदर कुछ बड़े एंटरटेनमेंट के सोर्सेज की बात करूं, जिसमें गोराई बीच, बेलंकनी बीच, कान्हेरी गुफाएं, छोटा कश्मीर पार्क, SL वर्ल्ड, वाटर किंगडम, ग्लोबल विपासना, पैगोडा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, ये सब कुछ आप रीच कर जाते हैं आधे से एक घंटे के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे। दोस्तों ये तो मैंने आपको लोधा कासा मैक्सिमा का डिटेल बताया, आगे हमारे सर्विसेज के बारे में समझ लें आप, कि क्या क्या सर्विसेज के जरिए हम अपने कस्टमर्स को सस्ते में
प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं। हमारे सर्विसेज की बात करूं तो हम लोग प्रॉपर्टी के साथ साथ होम लोन में भी डील करते हैं, होम लोन भी दिलाने में पूरी हेल्प करते हैं। आप हमसे प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो आप जिस भी बैंक से लोन लेना चाहें, हमारे सारे बैंकों से टाइप है, हमारे पर्सन आपके डोर टू डोर सर्विसेज देते हैं। आपको अगर लोन भी लेना है तो हम आपको डोर टू डोर सर्विसेज डॉक्यूमेंटेशन रिसीव करेंगे, आपका लोन का पूरा काम करवा के देंगे, उसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है दोस्तों। साथ ही साथ हम लोग न्यू लॉन्चिंग बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टी, अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में भी डील करते हैं। बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है, कभी कभी सीधे सीधे 40-50% डिस्काउंट पे भी आती है। ऐसा हमने काफी लोगों को प्रॉपर्टी दिलाया है। जिस तरह आप ये वीडियो हमारा देख रहे हैं, उस तरह हजारों लाखों लोग हमारा ये वीडियो देखते हैं। अगर उन्हें कोई अर्जेंट सेल में प्रॉपर्टी सेल करना रहता है, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, जिस टाइप की प्रॉपर्टी हो, किसी भी लोकेशन में हो, वेस्टर्न लाइन में या हार्बर लाइन में, तो वो हमें कॉल करते हैं कि भाई हमारा प्रॉपर्टी सेल करना है और क्योंकि हमें पैसे की बहुत जरूरत है। हम पहले उनको देख लेते हैं, अगर प्राइस रीजनेबल रहता है, प्रॉपर प्राइस रहता है, तो हम उनको प्रमोट करके सेल भी कर देते हैं। ऐसे हमारे पास कभी फायदे में भी प्रॉपर्टी आती है जो हमें बेचना होता है, तो हम सेल करते हैं। और ऐसे प्रॉपर्टीज को सबसे पहले हम अपने यूट्यूब चैनल्स पे डालते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स को, हमारे कस्टमर्स को, हमारे बायर्स को जल्द से जल्द उसका बेनिफिट हो सके दोस्तों। बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी जब हमारे पास आती है 30-40% 50% डिस्काउंट पे, तो ऐसे जो फायदे वाली प्रॉपर्टी होती है, यानी जो बेनिफिट वाली प्रॉपर्टी होती है, बिल्डर जब कोई प्रॉपर्टी लॉन्च करते हैं तो उस टाइम एक अच्छा खासा उनका डिस्काउंट रहता है। कभी कभी तो रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट रहता है, कभी GST डिस्काउंट रहता है, कभी फ्लोराइज नहीं रहता, तो कभी PLC नहीं रहता। ऐसे कुछ ना कुछ उनके ऑफर्स चलते हैं जब वो लॉन्च करते हैं, अच्छा खासा उनका एक डिस्काउंट प्राइस होता है। बिकॉज स्टार्टिंग में उनको बेस बनाने के लिए पैसों की बहुत जरूरत रहती है और वो पैसे को नीड को फुलफिल करने के लिए बिल्डर अच्छे प्राइस में लॉन्च करते हैं। ये लॉन्चिंग प्राइस बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी, रीसेल में जो अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी आती है, वो सब प्रॉपर्टी के हमेशा अपडेट मैं अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में डालता रहता हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि जब भी कोई ऐसे फायदे वाली प्रॉपर्टी मैं अपने चैनल पे डालूं, सबसे पहले उसको आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, आप उसको परचेस कर सके, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सके, आप उसमें फायदा कमा सके दोस्तों। और अगर आप ज्यादा यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं कभी अगर रहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9619871855, हमारा दूसरा नंबर है 8070807099। दोनों नंबर हमारे व्हाट्सएप पे भी हैं। आप हमारे व्हाट्सएप पे आपका नाम, नंबर, लोकेशन, रिक्वायरमेंट, बजट, ये सब पिंग कर दें, लिख के भेज दें। जब भी हमारे पास आपके रिक्वायरमेंट के रिलेटेड अगर कोई प्रॉपर्टी आती है तो हम आपको शेयर भी करते रहेंगे। उसका बेनिफिट ये होगा, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आप उसका जल्द से जल्द बेनिफिट ले पाएंगे। ऐसे काफी सारे लोगों को मैंने फायदा कराया है प्रॉपर्टी में, लॉन्चिंग प्रॉपर्टी में, ऑक्शन की प्रॉपर्टी में, अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी में। 10-10, 20-20 लाख, 30-30 लाख रुपया हमारी ओर से कस्टमर को हमने बेनिफिट दिया है जब अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी आती है तब। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें आपके फैमिली और फ्रेंड्स में। आपको प्रॉपर्टी परचेस करना है दोस्तों, आप हमें जरूर हमारे इस नंबर पे कॉल करें, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे। प्रॉपर्टी परचेस कराने से लेकर टिल पोजीशन तक, होम लोन तक, सारा कुछ हेल्प करेंगे दोस्तों प्रॉपर्टी परचेस करवाने में। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट प्रोजेक्ट में नेक्स्ट प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।